हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में लेसन नंबर 5 का सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि पृष्ठ रसायन में द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड। ये बता दें, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं। ये अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बारे पूछा हुआ मिलेगा। ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये कैसे पूछता है तो ये पूछेगा कि द्रव स्नेही या द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, इसका एक उदाहरण भी दीजिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लास्ट तक देखें इसको। और अगर आपको अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक ना। तो चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट करके याद भी कर सकते हैं। पहला है द्रव स्नेही कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। कोलाइड किसे कहते हैं, तो कोलाइड एक तरह का विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक तरह का विषमांगी मिश्रण होता है। विलयन ऐसे तीन टाइप के होते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और एक आपका निलंबन होता है। तो कोलाइड आपका बीच में आता है, यानी कि जब कणों का आकार बहुत ही कम रहता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक विलयन है। और जब 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है तो उसे हम लोग कोलाइड बोलते हैं। और 100 नैनोमीटर से भी जब ज़्यादा जाता है तो उसको हम लोग निलंबन बोलते हैं। तो कोलाइड को हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, जिसमें द्रव स्नेही कोलाइड को हम लोग इंग्लिश में लायोफिलिक और द्रव विरोधी को हम लोग कहते हैं लायोफोबिक कोलाइड, ठीक ना। तो देखते हैं द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है। तो द्रव स्नेही कोलाइड का मतलब होता है द्रव से स्नेह करने वाला। बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, आपको दिख रहा होगा कि नाम से ही क्लियर है कि द्रव स्नेही का मतलब होता है द्रव से स्नेह करने वाला कोलाइड। तो ऐसा कोलाइड, द्रव स्नेही का अर्थ होता है कि द्रव से स्नेह करने वाला। द्रव स्नेही कोलाइड को अगर द्रव स्नेही कोलाइड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है द्रव स्नेही कोलाइड की जो कण होते हैं वो बहुत ही प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, बधे हुए होते हैं। और ये अगर सीधे परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही, परिक्षेपण माध्यम जो है इनको घोला जाता है, तो घोलते ही तुरंत जो है कोलाइड बना लेते हैं। परिक्षेपण माध्यम में के संपर्क में आते ही तुरंत ही कोलाइड का रूप ले लेते हैं। जैसे इसका देखिए एग्जांपल भी पूछा गया, तो एग्जांपल इसका कम से कम 2 एग्जांपल याद कर लें, वैसे एक एग्जांपल एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जैसे गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबर आदि, हम लोग दूध भी ले सकते हैं, इसमें दूध भी इसका एक एग्जांपल है। और एक और इसकी खासियत होती है द्रव स्नेही कोलाइड की, कि इसका अवक्षेपण बहुत ही आसानी से हो जाता है। अवक्षेपण का मतलब होता है, जैसे आप लोग दूध देखे होंगे, दूध भी एक तरह का कोलाइड है। दूध को जब हम लोग फाड़ देते हैं तो लोग कहते हैं दूध का मतलब फट जाना। दूध जब फट जाता है तो फटने के बाद थक्का थक्का जम जाता है, तो वो जो थक्का थक्का जमता है उसी को हम लोग कहते हैं उसका अवक्षेपण हो गया, यानी कि उस कोलाइड की कणों का आकार जो है वो बड़ा हो जाना ही उसका अवक्षेपण कहलाता है, ठीक। तो वही थक्का थक्का जम जाना या दूध का फट जाना ही अवक्षेपण कहलाता है। तो इस तरह से जब गोंद या जिलेटिन, स्टार्च, रबर, ये सब जो है आपके द्रव स्नेही कोलाइड हैं और इसका अवक्षेपण बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर इसका अवक्षेपण हो भी जाए तो उसको हम लोग पुनः फिर से अगर परिक्षेपण माध्यम में मिला दे तो फिर से हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, फिर से द्रव स्नेही कोलाइड इसको हम लोग बना सकते हैं। इसीलिए इसे उत्क्रमणीय साल भी कहते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जो पहले था वो अपनी पुनः अवस्था में आ जाना, उत्क्रमणीय कहलाता है। अब देखते हैं द्रव विरोधी क्या होता है। तो द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड को हम लोग लायोफोबिक कहते हैं। सेम द्रव स्नेही का उल्टा है ये। द्रव स्नेही में क्या था कि द्रव, बिल्कुल आपको नाम से ही क्लियर लग रहा होगा, द्रव स्नेही का मतलब है द्रव से स्नेह करने वाला, द्रव से प्रेम करने वाला। द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत उसका अवक्षेपण हो जाना या उसका कोलाइड बन जाना, ठीक ना। लेकिन द्रव विरोधी में एकदम बिल्कुल नाम से ही क्लियर है कि द्रव से विरोध करने वाला, यानी कि द्रव का विरोध करने वाला, यानी कि द्रव से हेट करने वाला, द्रव से घृणा करने वाला, द्रव से घृणा करने वाला।
तो द्रव विरोधी का अर्थ होता है द्रव से घृणा करने वाला, और ऐसे साल जिसका प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही तुरंत वो कोलाइड नहीं बनता है, ठीक ना। ऐसा साल, साल मीन्स वही कोलाइड, ऐसा कोलाइड जो प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही तुरंत वो कोलाइड नहीं बनता, उसको बनाने के लिए, उसको पानी में घोलने के लिए उसे कुछ खास विधियों का, कुछ विशेष विधियों द्वारा ही उसको बनाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, इसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर भी देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल हमेशा पूछता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल जरूर याद रहे। धातुएं या उनके सल्फाइड आदि, इनका जो ये जो कोलाइड होते हैं द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। इसमें विद्युत अपघट्य मिलाने से आसानी से इसका अवक्षेपण हो जाता है। द्रव विरोधी का भी अगर आप इसमें कोई विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो इसका आसानी से आपका अवक्षेपण हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग पुनः फिर से प्रक्षेपण माध्यम में, पुनः इसको हम लोग कोलाइड को प्रक्षेपण माध्यम में मिला करके इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए से हम लोग इसको उत्क्रमणीय और इसको अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं, और यह अस्थायी होता है। तो मुझे लगता है आपको द्रव विरोधी या द्रव स्नेही समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है, इसको आप वीडियो को रोक करके यहाँ से लिख लें, लिख करके याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इस बार भी मुझे लगता है ज़रूर पूछा जाएगा। और आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर उठा करके देखेंगे तो बहुत बार ही पूछा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और बिल्कुल शेयर करिए, और अगर आपको किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए जो नहीं समझ में आपको आया है तो कमेंट करके हमको बताइए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आप तक आराम से नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जाए। थैंक यू।